हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको माय सैंडी टॉयज कलेक्शन के एक वीडियो दूंगा, माय सैंडी टॉयज एंड माय शिनशाई कार्ड्स के कलेक्शन के वीडियो दूंगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट गाड़ी है ये स्विफ्ट डिज़ायर जो कि मैंने न्यू परचेस की थी। इसका अनबॉक्सिंग वीडियो है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ब्रोक हो गई मेरे से। आप देख सकते हो इसका जो रूफ है वो टूट गई, तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया। तो अब मैं न्यू ब्रेजा मतलब स्विफ्ट डिज़ायर परचेस करूँगा, क्योंकि ये तो टूट गई। दूसरी मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा जो कि शाइनिंग लुक के साथ बहुत शाइन कर रहा है, अंधेरे में भी बहुत शाइन कर रहा है। आप देख सकते हो, काफ़ी प्यारी कार ये। मैं इसको हमेशा अच्छे से रखूँगा, कभी मॉडिफाई नहीं करूँगा इसको, मैं स्टॉक रखूँगा। दूसरी सैंडीटर का क्रेता जो कि थोड़ा बहुत गंदी हालत में है। यहाँ पे देख सकते हो इसका पूरा धूल लग चुका है, क्योंकि मैंने एक ऑफ रोडिंग का वीडियो बनाया था, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की थी, बट अब पूरी गंदा हो चुकी है। आप देख सकते हो गाड़ी, तो मैं इसको वॉशिंग की वीडियो इसकी वॉशिंग की वीडियो बहुत जलाएगी। दूसरी ये तो न्यू ब्रेजा, ओल्ड ब्रेजा रहा ये जो कि मैंने मॉडिफाइड की दी। अब देख सकते हो पूरा टिंटेड विंडोज है, तो काफ़ी ब्लैक कालिया डॉन की तरह लग रहा है, मतलब डॉन का गाड़ी है ये। एंड बहुत लोग पूछते कि ये क्या है, ये मेरा नाम है। उसके बाद ये सैनिटर का क्रिस्टाइनियो 2.0 जो कि मैंने न्यू परचेस की थी, इनोवा की तरह है। आप देख सकते हो इसका थोड़ा बहुत रंग उतर गया, ये नीचे से आप देख लीजिए। मेरा फर्स्ट सैनिटर यही है। और दूसरी ये सैनिटर का वेगेनर जो कि मेरे लाइफ में सबसे छोटी गाड़ी है, छोटा स्केल मॉडल है। इससे छोटी गाड़ी तो कोई है नहीं मेरे पास, बहुत छोटी है। तो मतलब है हॉट व्हील्स है, बट ऐसे स्केल मॉडल कोई भी छोटा नहीं है, वेगेनर ही है। दूसरी सैनिटर का स्विफ्ट ड्रिफ्ट एडिशन में यहाँ पे देख सकते हो लुक। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो सैनिटर का ड्रिफ्ट एडिशन। एंड गाइस, मैं बहुत जल्द एक रेड येलो एंड वाइट भी परचेस करूँगा, तो रुके रहिए। ये नीचे से लिख लीजिए, सैनिटर लिखा हुआ मिल जाएगा। सैनिटर का हर स्केल मॉडल में आपको नीचे ये लिखा मिल जाएगा। ये इंटीरियर आप देख लीजिए, बिल्कुल जो रियल स्विफ्ट का इंटीरियर आता है उसी के तरह लुक बनाने की कोशिश की। दरवाज़ा खुलता है, ये देख सकते हो। और ये आप परचेस कर सकते हो 262 के रुपीज़ के अराउंड, ठीक है। उसके बाद फोर्ड इको स्पोर्ट एक शाइनिंग लुक के साथ। और यहाँ पर मैंने इसके मतलब ग्लास को तीन तेज कर दिया, बाकी गाड़ी काफ़ी बढ़िया होकर रखी। आप देख सकते हो इसका शाइनिंग लुक, ओ माय गॉड। सैनिटॉय इको स्पोर्ट, फोर्ड इको स्पोर्ट। और इस गाड़ी पे आपको रूफ देखने को मिल जाएगा, रूफ एक्स्ट्रा से मैं, और अगर एक टायर टूट गया, मेरा एक टायर टूट गया आप देख सकते हो, तो मैं ये टायर को लगा दूंगा। अब दूसरी ये है टाटा ये CNG कार्गो, ये 2015 का है। एंड बहुत जल्द मैं एक न्यू सैंडीटॉयज टाटा इस परचेस करूँगा, तो उसके लिए रुकी रही। बहुत सारी कार्स अभी भी परचेस करनी बाकी है, तो बहुत कम है। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी है बहुत सारे हैं यहाँ पर, तो इन सब का वीडियो इंडिया सैंडीटॉयज का टाटा सुमो है। तो यहाँ पर सैनिटॉयज यहाँ पर मैं रख देता हूँ। अब दोस्तों आपको दिखाता हूँ ये सैनिटॉय का बेस्टिवा मॉडल, जो एक डाईकास्ट वाला भी आता है, बट अगर आपके पास उतना बजट नहीं है तो आप ये परचेस कर सकते हो। एंड गाइस, मेरे को डाईकास्ट वाला से ये काफ़ी डिटेल लगा है। डाईकास्ट वाला इतना डिटेल नहीं, बट ये काफ़ी डिटेल है, हर जगह से डिटेल है। आप चाहे तो इसका सी देख लो, बूट मैट। अब दोस्तों आप दिखाता हूँ मैं डस्टर, इसका व्हील आप देख सकते हो जो कि मैंने मॉडिफाइड किए, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इसका व्हील आप देख सकते हो अंधे, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये है सैनिटॉय का बेस्टिवा। उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं सैनिटॉय का डस्टर जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका जो व्हील है वो काफ़ी शाइन कर रहा है अंधेरे पे। तो ये मैंने क्या लगाया, ये कैसा मॉडिफाइड है, किससे मैंने ये किया है, आपको सब बताऊँगा अगले वीडियो पर। तो दोस्तों ये है मेरा सैनिटॉय का स्कॉर्पियो जो कि मैंने न्यू परचेस की थी। तो मैं आपको इसका फीचर दिखाता हूँ। तो इसका बूट ओपन होता है, बूट ओपन होने के बाद ये इंजन बेस, सबसे इसकी मेन बात है कि इसका बूट ओपनेबल है। ये अंदर से देख लीजिए गाड़ी का, ये अंदर से, ये पीछे का एंड ये पीछे का। एंड म्यूजिक सिस्टम हर तरह से डिटेल है, म्यूजिक सिस्टम हो। एंड ये पीछे से आप देख सकते हो मैन। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये सैनिटॉयज का स्कॉर्पियो जो कि मैंने परचेस की थी, आप भी परचेस कर सकते हो। काफ़ी बड़ी गाड़ी है, मैं आपको अगर कंपैरिजन करके दिखाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हो मेरी सबसे बड़ी गाड़ी थी डस्टर, अब डस्टर से भी बहुत बड़ी है। एंड उसके बाद आपको लास्ट का दिखाता हूँ, तो ये टाटा नैनो देख सकते हो। और भी एक मेरे पास पहले तीन गाड़ियाँ थी शिनशाई का, अब चार हो चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो बलेनो आप देख रहे हो, ये जो बलेनो आप अंदर पर देख रहे हो, तो ये बलेनो है मेरे कलेक्शन पर, मतलब ये बलेनो है, ये बलेनो है, लेकिन मैंने उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो मॉडिफाइड है। अब मैं येलो कलर में भी परचेस करना सोच रहा हूँ आगे पे वीडियो पे। तो दोस्तों ये थी मेरी पूरी कलेक्शन,
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच मेरे वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों